नमस्कार दोस्तों, एस जे ट्रेडर्स की और एक वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आज बैंक निफ्टी और निफ्टी ने क्या किया। फ्रेंड्स, निफ्टी के बारे में मैंने आपको कल बोला था कि अगर 60,590 ब्रेक करेगा तो उसका टारगेट मैंने पहला दिया था आपको डाउन के साइड में 16,500, और उसने आज का लो मारा है करीबन 16,521। यानी मैंने जो टारगेट दिया है उसमें 19-20 हुआ, यानी आगे पीछे 19-20 जितना फर्क रहता है फ्रेंड्स, जो मैं टारगेट देता हूँ उसमें। ओके, और यहाँ पे उसने 5 मिनट की चार्ट में आप चेक करोगे, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाई, और हैमर कैंडल बनाने के बाद 16,550 ब्रेक होने के बाद वो सीधा चला गया सीधा 16,661, और वहाँ से फिर से थोड़ा डाउन आया, बाद में फिर से ऊपर गया, डाउन आया, ऊपर गया, डाउन आया, बाद में लास्ट टाइम में वो डाउन की मूवमेंट उसने दिखाई है निफ्टी ने। तो अभी आइए देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट सिनेरियो क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चेक करोगे तो डाउ जोंस अभी 250 पॉइंट माइनस है, और एसजेएक्स निफ्टी 74 पॉइंट माइनस है। अगर कल सुबह में भी ये माइनस में रहता है तो हमारा भी मार्केट गैप डाउन ओपन होने की पूरे पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं अब कल निफ्टी क्या कर सकती है। इससे पहले मैं 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ स्क्रीन पे, और एनालिसिस करते हैं कि कल के दिन क्या हो सकता है निफ्टी में। इससे पहले ये पूरा जो पुराना लेवल है वो पूरा निकाल लेता हूँ मैं। मैंने आपको क्लियर कट बोला था फ्रेंड्स कि जब तक 60,700 ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक वो ऊपर जाने वाली नहीं है निफ्टी। और डाउन की साइड में फ्रेंड्स ये है 16,510, अगर 16,510 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में, ये गैप फिल करने के लिए आएगी, इसका लेवल रहेगा 16,368। ओके, और हो सकता है वहाँ पे कुछ टाइम यहाँ पे भी सस्टेन कर सकती है 16,450-42 के पास। ये हो गया हमारा डाउन का लेवल, उसका क्लोजिंग हुआ है 16,584 पे उसका क्लोजिंग हुआ है फ्रेंड्स निफ्टी का। और अपसाइड में फ्रेंड्स अगर ये 16,700 निकालेगी तो उसका पहला टारगेट आ सकता है अपसाइड में फ्रेंड्स 16,830, और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 16,880। ये हो गया फ्रेंड्स निफ्टी 50 का लेवल टुमारो के लिए। अभी देख लेते हैं कोई ट्रेंड लाइन जा रही है नहीं जा रही है वन डे के चार्ट में। हम वन डे के चार्ट में आप चेक करोगे तो एक उसने बेरिश कैंडल बनाई हुई है फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रेवी स्टोन रोजी बनाई हुई है। तो अगर कल इसके लो के नीचे फिसलेगा तो डेफिनेटली ये डाउन ही जाने वाली है, लेकिन देखते हैं कल सुबह में क्या हो सकता है ग्लोबल मार्केट में। तो ये देखते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया फ्रेंड्स। मैंने बैंक निफ्टी का जो आपको लेवल दिया था फ्रेंड्स कि अगर वो 34,750 निकालेगी तो डाउन के साइड में उसका पहला टारगेट मैंने आपको दिया था 34,660, और दूसरा टारगेट मैंने दिया था उसको 34,530। आप यहाँ पे चेक करोगे तो उसका ओपनिंग हुआ 34,665 के ऊपर उसका ओपनिंग हुआ है, यानी मेरा पहला आप जो आपको जो टारगेट दिया था वहीं पे उसने ओपनिंग की, और वहाँ से डाउन की साइड में आज का लो मारा है फ्रेंड्स करीबन 34,280 के करीब उसने लो मारा है आज, यानी ये डाउन की साइड में दोनों टारगेट उसने अचीव कर लिए। और यहाँ पे आप चेक करोगे ओपन होने के बाद 5 मिनट की चार्ट में आप चेक करोगे तो यहाँ पे दो हैमर कैंडल बनी है। अगर यहाँ पे किसी ने इसी हैमर कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के कोई कॉल बाय किया होगा तो उसका प्रॉफिट मिल गया होगा। यहाँ से आप पकड़ोगे और 34,620 से लेके उसने 34,881 करीबन हाई मारा, उसने मूवमेंट दिया बराबर है। तो आइए देखते हैं अब कल बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। इससे पहले हम देख लेते हैं 15 मिनट की चार्ट में क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो एजुकेशन प्रपोज से ही बनाता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये पूरा लेवल मैं निकाल लेता हूँ, और एक ट्रेन लाइन यहाँ से ये जा रही है 50 मिनट की चार्ट में। ओके, जब तक इस ट्रेन लाइन के ऊपर जाएगा नहीं तब तक ये बैंक निफ्टी मुझे लगता है ऊपर जाने वाली नहीं है। उसका क्लोजिंग हुआ 34,487 पे उसका क्लोजिंग हुआ है। अगर तुम और वो बैंक निफ्टी 35,290 ब्रेक करती है तो डाउन साइड में उसका लेवल आएगा पहला 34,930, और दूसरा टारगेट उसका आ सकता है डाउन की साइड में फ्रेंड्स
34,725। और अपसाइड में फ्रेंड्स अगर वो 35,580 निकालेगी तो उसका टारगेट आ सकता है अपसाइड में फ्रेंड्स 35,760। और दूसरा टारगेट उसका आ सकता है अपसाइड में फ्रेंड्स 35,950। फ्रेंड्स ये हो गया हमारा नो ट्रेडिंग जोन। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।